स्टूडेंट माई सेल्फ नंदेश्वर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वह है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। सबसे पहले आपका आता है इंडिविजुअल्स, दूसरा आएगा आपका एचयूएफ, अगला आता है आपका फर्म, अगला है आपका एओपी और बीओआई, अगला आपका कंपनी, इसके बाद आपका लोकल अथॉरिटी, इसके बाद आपका आर्टिफिशियल, जुडिशियल पर्सन। इसमें अब इसके बाद हम देखेंगे जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल में आपका एक व्यक्ति में स्त्री हो, पुरुष हो, अव्यस्त बच्चा हो या स्वस्थ स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, कोई व्यक्ति शामिल होता है और एक व्यक्ति कुल आय पर विभिन्न शीर्ष विभिन्न आय के खंडों विभिन्न दरों से आपका टैक्स देना पड़ता है। तो इंडिविजुअल में अब बात आती है एक व्यक्ति की आय की गणना किस हिसाब से की जाएगी। अब ये देखना है जो इंडिविजुअल है इसमें एक व्यक्ति आय की कैलकुलेशन किस हिसाब से की जाएगी। तो इसमें एक अपनी स्वयं की विभिन्न शीर्ष जो आपके हेड हैं, जो फाइव हेड हैं, तो उसमें आय के अतिरिक्त निम्न संस्थाओं की सदस्यता से जो आय मिलेगी, जो आपके जो पांच हेड है उनकी उनसे उनकी आय के अतिरिक्त निम्न संस्थाओं की सदस्यता से जो भी आय मिलेगी, तथा कुछ आय अन्य व्यक्तियों की भी होती हैं जिन पर एक व्यक्ति कुल आय में शामिल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है एचयूएफ। तो एक व्यक्ति द्वारा एक एचयूएफ परिवार का सदस्य होने के नाते यदि कोई व्यक्ति है, यदि कोई एचयूएफ का सदस्य है, तो परिवार की आय से मिली हुई राशि पर न तो उसे टैक्स देना पड़ता है और न देना पड़ता है, न वह उसकी कुल आय में शामिल किया जाता, चाहे परिवार टैक्स दे या ना दे। इसके बाद आपका यदि किसी सदस्य ने अपने व्यक्तिगत परिश्रम से कोई आय प्राप्त की है, यदि कोई पर्सनल अफोर्ड से अगर कोई कोई आय प्राप्त करता है तो उस पर व्यक्ति के रूप में कर निर्धारण होगा। इसके बाद आपका यदि किसी एचयूएफ परिवार के सदस्य अपने व्यक्तिगत संपत्ति को अपने परिवार की संपत्ति में कन्वर्ट करा देता है, यदि कोई व्यक्ति है अपनी असेट को परिवार की असेट में कन्वर्ट करा देता है, तो उसकी परिवर्तित संपत्ति से आय उसकी व्यक्तिगत कुल आय में शामिल की जाएगी, परिवार के कुल आय में शामिल उसे नहीं किया जाएगा। इसके बाद है एओपी और बीओआई। तो पहला हो गया आपका एचयूएफ, इसके बाद आपका आएगा बीओआई और एओपी। तो इसमें क्या है, यदि व्यक्तियों यदि आपका एओपी और बीओआई कुल आय पर आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट से या हायर रेट से टैक्स लग चुका है, तो सदस्य की आय का भाग उसकी व्यक्ति कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, यदि एओपी और बीओआई कुल आय पर कोई इनकम टैक्स लगने योग्य नहीं है, तो उसके सदस्य को इसे प्राप्त आय के भाग को अपनी कुल आय में शामिल करके टैक्स देना होगा। और उसके बाद है एओपी और बीओआई ने अपनी कुल आय पर नॉर्मल रेट से कर चुकाया है, तो आय का भाग सदस्य की अपनी कुल आय में शामिल होगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब यह हुआ तो सदस्य को आय के इस भाग पर इनकम टैक्स में औसत यानी एवरेज के हिसाब से छूट दे दी जाएगी। इसके बाद है कंपनी की दशा में, यह हो गया। इसके बाद आते हैं कंपनी की दशा में। कंपनी की दशा में देखेंगे, इसमें अंशधारियों के रूप में प्राप्त लाभांश, यदि डोमेस्टिक कंपनी से अंशों पर लाभांश प्राप्त होता है तो वह अंशधारी की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद है क्लबिंग इनकम। तो इसके बाद आपका क्लबिंग इनकम में यदि कोई व्यक्ति असेट का ट्रांसफर किए बिना आय का ट्रांसफर कर देता है,
जैसे मान ले एक्स की असेट है तो इसमें यानी संपत्ति का हस्तांतरण किए बिना यदि एक्स की असेट है वाई को यानी कि असेट को ट्रांसफर नहीं किया बल्कि आय को ट्रांसफर कर दिया गया तो ऐसी जो आय हुई हस्तांतरण करता यानी कि एक्स की असेट मानी जाएगी। असेट के खंडनीय हस्तांतरण की पर ऐसी असेट से आय हस्तांतरण के जो ट्रांसफर करता है तो उसकी आय में शामिल किया जाएगा। और कुछ कंडीशन में कुछ एक व्यक्ति के जीवन साथी की आय उस व्यक्ति की आय में शामिल होगी कुछ परिस्थितियों में। उसके बाद एक अवयस्क बच्चे जो माइनर चाइल्ड होगा उसकी आय उसके माता पिता जैसी भी कंडीशन हो कुल आय में शामिल किया जाएगा। इसके बाद है एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरण संपत्तियों से यदि हस्तांतरणकर्ता के जीवन साथी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है तो इसमें तो वह संपत्ति की आय हस्तांतरणकर्ता जो ट्रांसफर करता है उसकी आय में शामिल की जाएगी। अब इसके बाद है इसमें देखेंगे तो कुल आय जो टोटल इनकम है टोटल इनकम निकालने की विधि क्या है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपने पांच हेड देखना है, फाइव हेड देखने हैं इसमें। इसके बाद है इसमें शामिल करेंगे दूसरे इस आय में शामिल की जाने दूसरे व्यक्तियों की आय तथा अन्य जो डीम्ड इनकम है जो मानी गई इनकम है उनको भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद है किसी अगर हेड में कोई लॉस है या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या आपका अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो उसे घटाया जाएगा और जो शेष बचेगा वो आपका जीटीआई होगी। अब इसके बाद जीटीआई जीटीआई में से 80C से लेकर 80U तक का डिडक्शन करने के बाद जो बचेगा वो आता हमारा टोटल इनकम। इसके बाद जो टोटल इनकम को हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है या नियरेस्ट टेन जैसे राउंड ऑफ में जैसे मान लीजिए राउंड ऑफ नियरेस्ट में तो ये इसमें जैसे 3,20,196 अगर इसे हम 10 के नियरेस्ट में करें तो ये हो जाएगा 3,20,200 ये होगा राउंड ऑफ में यानी हमें टोटल इनकम को राउंड ऑफ में करना होगा। इसके बाद है चार्ट शोइंग कंप्यूटेशन टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें आता है अब आपका इनकम फ्रॉम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद आती है इनकम फ्रॉम PGBP। इसके बाद आती है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसके बाद आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये आपका निकलेगा, ये आएगी आपकी जीटीआई। जीटीआई में से लेस 80C से टू 80U तक की डिडक्शन की जाएगी। डिडक्शन करेंगे, डिडक्शन करने के बाद जो बचेगा वो हमारा आएगा टोटल इनकम या फिर ये कहें टैक्सेबल इनकम जिसे जिस पर हमें टैक्स देना पड़ता है। इस हिसाब से हम आप देख लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में। तो इसमें श्री विनोद कुमार एक सूती वस्त्र मिल कंपनी जयपुर में काम करते हैं। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय का विवरण निम्नलिखित है। वेतन जो दे रखा है वो 16,000 पर मंथ है। तो इसमें देखना है तो ये इसमें सैलरी दे रखी है इनकम फ्रॉम सैलरी 16,000 पर मंथ
16,000 इंटू 12 तो ये हो गया 1,92,000। अब इसके बाद ये रखा है तो उसको दौरे पर जाने का यात्रा भत्ता वर्ष के लिए 2800 रुपये था, जो आपका यात्रा भत्ता होता है वो आपका अजमटेड है। इसके बाद है वह 13% की दर से प्रोविडेंट फंड में रेगुलर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन देता है, जिस पर कंपनी भी समान अंशदान देती है, उसके लिए प्रोविडेंट फंड पर ब्याज वो 4,500 है। इसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड है आपका दे रखा है, तो ये दे रखा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में दे रखा है, ये आपका 13% जो आपका पीएफ में होता है, मैक्सिमम लिमिट वो आपकी 12% है। 13% माइनस 12% जो आपका एक्सेस हुआ 1% ऑफ 1,92,000 तो ये होगा आपका 1920 रुपये। इसके बाद आपका इनको टोटल करें ये आएगा 1,93,920 इसके बाद आपका लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन वो होती है आपकी 50,000, ये बच गया आपका 1,43,920। इसके बाद आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसमें दो बंगलों का मालिक है, उसमें एक में 2,000 प्रति महीना किराए पर उठा रखा है और दूसरे में वह स्वयं रहता है, जिसका वार्षिक किराया मूल्य 1,960 रुपए है। तो इसमें दे रखा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,000 पर मंथ इंटू 12 तो ये हो गया आपका 12,24,000। अब इसके बाद है म्युनिसिपल टैक्स जो पेड किया है, लेस म्युनिसिपल टैक्स ये दिया है 4,000, ये वो बच गया आपका 20,000। इसके बाद ये बची जो निकल के आएगा ये आता है एनुअल वैल्यू। अब इसमें से लेस होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी 20,000 का 30%, ये हो गया 6,000, तो ये बच गया आपका 40,000। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आ गया 40,000। अब इसके बाद दिया है उसने 8,500 सरकारी सिक्योरिटियों पर ब्याज के रूप में तथा 4,475 एक घरेलू कंपनी से लाभांश के रूप में प्राप्त किया। उसने 2016 में अपना जीवन बीमा 30,000 का कराया तथा 2,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम भुगतान करता है। इसके बाद इसमें दे रखा है एक मकान में किराए पर उठा हुआ है और एक मकान में वो खुद रहता है। अगला दे रखा है एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इसकी है नील, तो ये हो जाएगा आपका 14,000। इसके बाद दे रखा इनकम फ्रॉम जो आपको दे रखा है पीजीबीपी वो दे नहीं रखा है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये दे नहीं रखा है। अब इसके बाद आता है अन्य साधनों से आए, एक वो दे रखा है आपका उसने 8,500 सरकारी उसने 8,500 सरकारी प्रतिनिधि ब्याज के रूप में, यानी कि एक इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखी है 8,500 और एक आपका डिविडेंड
ये दिया है 4475, ये होता अजंप, तो ये हो गया आपका 8500। इसके बाद इसे हम टोटल करेंगे, जो हमारी आएगी जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, एक आप 1,43,920, 14,000 और 8,500, तो ये बन जाएगा 1,66,420। ये हमारा जीटीआई में से हमें 86 से लेकर 80U तक हमें डिडक्शन करनी पड़ेगी। अब देखना पड़ेंगे कौन कौन से हमारी डिडक्शन है। एक तो हमें दे रखी है, तो एक दिया है हमें, अब दे रखा हमें देखना है, इसमें देखना है लेस 80C to 80U तक आपको डायरेक्शन देखनी है। तो इसमें दे रखा है, एक दे रखा है जो मालिक ने भी समान अंशदान दिया है, तो इसमें 13% ऑफ 1,92,000 ये होगा आपका 80C, तो ये होगा 1,92,000 का 13%, 24,960। इसके बाद दे रखा है उसने 2000 वार्षिक प्रीमियम भुगतान किया, तो ये एक आपका 2000 का ये हो गया, तो ये हो गया 26,960, तो ये हो गया आपका 26,960। यानी कि हमारा जो जीटीआई आई थी हमारे 1,66,420, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1,39,460, ये हमारी आपका टोटल इनकम, या पर हम कहें टैक्सेबल इनकम, जिस पर एक व्यक्ति को अपनी इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें दे रखा है निम्न सूचनाओं से कर निर्धारण वर्ष 2020 और 21 के लिए एक व्यक्ति की कुल आय की कैलकुलेशन करना है। इसमें दे रखा है सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एंड इनकम टैक्स, वे दे रखी है 3,67,000 इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखी है 3,00,000, ये दे रखी है आपको रिसीव्ड दे रखी है। इसमें से आपको ये डायरेक्शन ये आपने डायरेक्शन दिया था इनकम फ्रॉम, यानी आपका टीडीएस ऐड जो टैक्स कटा है वो आपका टीडीएस कर देंगे, ऐड कर देंगे दोबारा से, वो आपका 3,000। इसके बाद दे रखा है प्रोविडेंट फंड में दिया 20,000 का, तो जो आपका प्रोविडेंट फंड पीएफ में 20,000, तो ये हो गया आपका 3,90,000। अब इसमें से लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन की जाएगी, वो होती है आपकी 50,000, तो ये बच गया आपका 3,40,000। अब इसके बाद आपका आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो देने रखी है इनकम फ्रॉम कैपिटल, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी वो भी नहीं है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वो भी नहीं दे रखी है। इसके बाद दिया है घरेलू कंपनी में शुद्ध लाभांश प्राप्त किया अदर सोर्सेज, ये अजम्प्टेड है। इसके बाद बचत बैंक खाते पर ब्याज दे रखा है, वो आपका 3,000 का है। अब दे रखा है इनकम फ्रॉम जो आपको नहीं, जो हेड के नहीं दे रखे उनको लिख करके आप खाली छोड़, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डॉट कर देना और इनकम फ्रॉम पीजीबीपी ये भी आपको कुछ नहीं दे रखा है और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन
ये भी कुछ नहीं दे रखा है। अब इसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में दे रखा है आपका बचत बैंक खाते पर ब्याज दे रखा है वो दिया आपका 3000 का, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इसमें इंटरेस्ट ऑन सेविंग, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक ये दिया आपका 3000। इसके बाद दे रखा है घरेलू कंपनी शुद्ध लाभांश प्राप्त किया 8950, तो ये दे रखा है डिविडेंड, डिविडेंड दे रखा है, ये होता है आपका अजेंट, तो ये हो गया आपका 3000। तो ये आपका जीटीआई जो निकल के आएगी सभी हेडों के इनकम को टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3,43,000। अब इसमें से आपको लेस जो आपका डिडक्शन करनी पड़ेगी, जो आपका 80C से लेकर 80U तक का देखना पड़ेगा। अब देखिए 80C में क्या क्या दे रखा है, 80C में दिया है प्रोविडेंट फंड में मालिक का अंशदान है वो आपका 20,000 है। एक तो दे रखा है आपका कंट्रीब्यूशन मालिक का अंशदान 20,000 का दे रखा है। इसके बाद दिया है जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान किया 2000 का, यह हो गया, तो यह हो गया आपका 22,000। और इसके बाद दे रखा है 80 जो आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक दे रखा है वो आपका अप टू 10,000 का अजम्प्टेड होता है, 80TT है, तो ये 80TT है, ये अजम्प्टेड होता है 10,000 तक का, इसमें आपका 3,000 की और इसके 3,000 के पूरे की मिल जाएगी छूट, तो ये हो गया 20, 22 और 25,000, तो ये बच गया आपका 3,18,000। ये आपका आ जाएगा टोटल इनकम जिस पर टैक्स पेड करना पड़ेगा।